गाइस वेलकम बैक टू नितेश पासवान्स चैनल। सो आज नितेश का इंट्रो मैं दे रही हूँ बिकॉज मुझे पता है अभी तक नितेश उठा नहीं होगा। मैं उसको बोलते ही उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मुझे जाकर ही उसको उठाना पड़ेगा। वो बहुत आलसी है इसलिए तो चलते हैं उसको उठाते हैं मार के अच्छे से, क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ टाइम हो रहा है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, वो बिल्कुल भी नहीं उठा। अब डालती हूँ मैं उसको, देखना नहीं उठाऊंगा ये। I told you. देखो गाइस ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे देश पासवान उड़ो। क्या बोलते मैंने तुम्हें उठने को? भाई अरे भाई क्या है भाई, आँख खुलते तो 3 बज रहे 3, आँख खुलते तो चाय होती है, कुछ पानी होता है। तुमने तो कैमरा रख दिया मेरा मुंह पे। आजकल यही होता है, आजकल चाय कॉफी नहीं होती। उठो पहले उठो, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं दिखा, सीधा कैमरा दिख रहा है। हाँ तो मुंह उड़ो। वेरी गुड। 3 बज रहे हैं 2 बज रहे हैं तो तुम्हें बोलो 2 बजे रेडी रहना। तुम 2 बजे सो के उठे हो, मतलब तुम 3 जादोगे वो उठने उठने में फ्रेश होने में। एडिट करके सो रहे तो मेरी गलती है, फिर भी 6 घंटे की नींद होगी तुम्हारी अगर तुम सुबह 6 बजे भी सोए हो तो। भाई साहब क्या नींद है, बस अच्छी नींद आती है ठंड में। कौन है ठंड गई गई सुबह सुबह 2 बज गए हैं, सुबह सुबह नहीं हो रही है। कौन कौन है, खाना कौन बना रहा है? विशाल खाना बना रहे हैं। विशाल खाना विशाल बना है शेफ। क्यों? क्योंकि अमन नहीं है ना। आप लोग भी कहोगे अभी अमन कौन है, हमारे घर में छठा सातवां शेफ है। गाइस इनके घर में ना कोई शेफ टिकता नहीं है। क्यों? तुम इनसे इतना काम जो घर आते हो। नहीं उनको पता नहीं, या तो हमें वो हमें अच्छा नहीं लगते, खाना अच्छा नहीं बनाते। आप पहले उठ जाइए, आपकी आंखें ना ऐसे सूजी से लग रही है बहुत ज्यादा, फिर बोलोगे नहीं ये नहीं। पूरी बात तो कर लें तो पहले। अच्छा बोलो बोलो बोलो। मैंने बोला कि या तो या हम एक दो दिन ट्रायल पे रखते हैं उनको पहले। अच्छा खाना कैसे बनाता है और अच्छे नहीं बनाते तो हम उनको वापस भेज देते हैं, कुछ दूसरा चेंज कर देते हैं। अच्छा एजेंसी से बुलाते हैं, हमें कोई टेंशन थोड़ी है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ ड्रायर चल रहा है, सिर्फ ड्रायर चल रहा है। अभी नहाया भी नहीं है इंसान, मैं दिखाते नहाइए। रात को तो नहाने सोया था, दो बार तो सुबह नहाया नहीं होता नहीं। जिम से आने के बाद ना हूँ, फिर सोने के बाद ना हूँ, फिर जिम से आने के बाद ना हूँ, फिर सोने के बाद ना हूँ। अब जिम के बाद आके ना हूँगा। इतने आज है ना, मैं रात को ना करके सोना ना, पता है सुबह लेट उठना है मेरे को। भाई मैं वैसे जिम के बाद ही ना आता हूँ। अब इनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, अब बोल रहे हैं सारा चलो दिला रही हूँ मैं, दिला रही हूँ। अच्छा हाँ चलो मैं दिला रही हूँ, चलो हाँ चलो मैं दिला रही हूँ, ठीक है चलो। लेकिन सारा नहीं चलेंगे, कहीं और चलेंगे फिर। जैसे तुम लेती सो नहीं और होता हूँ उसका आंसर। बढ़िया बड़े दिनों बाद आई हो तुम, कहाँ बिजी रह रही हो आजकल? क्या कहाँ बिजी रह रही हो तुम आजकल? Why? I have lot of work to do. Lots of work? Yeah, lots of work to do. Okay. Yeah. समझ नहीं होती है। वो आज तो कहीं भी नहीं कितना टाइम याद आ रही है, मतलब समझ नहीं की तुम्हें। सोनी अच्छी जगह है भाई, बुरी जगह थोड़ी है। बट वो है ना बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा। अगर सरोजनी में किसी ने ढूंढ दिया समझो सबसे मेहनती बंदा है। कोयले की खान में हीरे को पहचान सकता है लाइक मी। अभी हम जा रहे हैं कपड़े लेने और मुस्कान को कपड़े वापस करने हैं। इसने कोई ड्रेस मंगाई थी, छोटी हो गई है वो। ये मतलब इसका साइज पहले ऐसा आता था, अब आता है मीडियम, क्योंकि थोड़ी मोटी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों वापस कर रही हो? क्यों वापस कर रही हो? मुझे नहीं अच्छी लग रही हो। अच्छा तुम वहाँ पे अच्छी लग रही थी, घर आके बुरी लग रही हो? बहाने बोल दो थोड़ी मोटी होगी। अरे तुम जाओ झूठी हर जगह से। भाई इसने जिम स्टार्ट की थी, अरे मैं डेली जिम जाऊंगी, अभी ये हो 2-3 दिन जिम गई, तीसरे दिन बीमार हो गई। तो तभी मैं बीमार हो गई थी, और बीमार में पूरे 1 हफ्ते रही थी। बीमार क्यों रही थी तुम्हें पता? क्यों रही थी? क्यों रही थी? बहुत कुछ हो गया था। क्या हो गया था? विटामिन मिनरल्स आयरन की कमी हो गई। किस लिए होती है? खाने पीना सही से होता है? खाना पीना खाया करो भाई, वर्कआउट वर्कआउट किया करो। गाइस देखो मैंने सही बोला था ना, ओके ये जिस दिन ये ऊंचे जूते पहन के आती है तो मेरी हाइट की लगती है।
वैसे हाइट की लगती है छोटी लगती है, आज ज्यादा छोटी लग रही है। बट स्टिल ऐसे रहा करो, आई एम 5'9" ओके। 5'9" नहीं है, 5'8" है। 5'8" 9 के बीच में। बीच ये कौन सी हाइट है? ये कौन सी हाइट है भाई? ये मेरी हाइट है। मैंने बोला कि मुझे कपड़े लेने, तुम उसका इतनी तेज करी, हां हां चलो चलो ले लेना चलो। मैंने कहा मिला रही हो ना, करी हां मैं दिला दूंगी चलो चलो। मैं समझा नहीं कि बोल क्यों रही है। जब हम बाहर निकले ना, जिसके हाथ में थैला देखा जा रहा था, मैंने कहा तुम्हें तुम वापस करना होगा, कह रही हाँ। जब तुम इतनी जल्दी राजी होगी चलने के लिए? आज गाइस आज मेरा ना बहुत, मैं घर से सोच के आई थी आज मैं सीखूंगी गाड़ी, आज संदेश पास की गाड़ी। मैं मुस्कान प्लान कर रही है डबल आर लेने की। वो क्या? तो मुस्कान वो प्लान कर रही लेने के लिए, तो पास वाले क्रेडिट कार्ड से पहले क्रेडिट कार्ड से नहीं आता वो। सॉरी गाइस अब मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा समझा ही सकता हूँ बट क्या ही कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए ना एक खाली लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। yes. और मुझे यहाँ पे पता नहीं कहाँ पर है, और मैं देखूंगा कहीं शॉपिंग के पास सोचूंगा कहाँ ले जा सकते हैं इसको सिखाने। क्या पता हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो ये। ऐसा कुछ नहीं, मैं ना बहुत सेफली ड्राइव करती हूँ, बहुत करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ। कब करा तुमने? मैं स्कूटी पे चलाती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से चलाती हूँ। स्कूटी चलाने से मतलब ये थोड़ी होता है कि आप गाड़ी भी चला लोगे? क्यों भाई चला सकते हैं, पहिए उसके दो है उसके चार है बस, और क्या फर्क है। फिर आप लोग कहते हो कि वुमेन, ये बात सही है, क्या लॉजिक है भाई इसका? मैं चला इसका मतलब ये है कि मैं साइकिल चलाता हूँ तो मैं गाड़ी चला लूंगा। चला लोगे? ठीक है मैं कुछ नहीं कह रहा, बाकी आप कमेंट में लिख देना। बस मुझे घर लाना सीखनी है, आज कोई मना नहीं होगा। पूरे कैश वापस ले मुस्कान ने, कैश बहुत है मुस्कान पे, पर ये नहीं होता कैश से काम करता है। दो नंबर का काम करते बनिए में पैसा होता है। मजाक कर रहा था गाइस, ऑफेंड मत हो जाना। एक कमेंट कर रहे हो बनिए, सारे बनिए मेरे पे चढ़ गए एक साथ। गाइस चलो इसको चढ़ो, बहुत बोलते हैं मेरे को बनिए बनिए बनिए। कंजूस है, बहुत कंजूस है, लेकिन आज तो पैसे से निकलवा के मारता हूं। वो तो कैश मिल गया वैसे भी। जाओगे जाओगे तो जाओगे, चलो ये ले लो नेचुरल एसी। पुराना है सेम, ये शॉर्ट है। अच्छा ले मैं तो छोटी आएगी, लड़की का टॉप लेना। नहीं गर्मी में भी अभी तक इन्होंने गर्मी के कपड़े रखे हुए हैं, इतने भारी भारी मुझे तो देख के गर्मी लग रही है। फैशन ठीक है, मेरे को पसीने बहुत आते हैं ना, मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। ये भी है, इतने उठाए 10 कपड़े हैं लेकिन पसंद दो आएंगे। टेंशन के ले रहे हो भाई, तुम टेंशन ले रहे हो, तुम्हें बिल देना है। नहीं नहीं मैं को टेंशन ले, तुम आराम से ले लो, खर्चा करो। अच्छा मैंने लिया पूरे 8 आउटफिट्स, उससे पहले बॉडी देख लो गाइस। चलो अब ट्राई करते हैं। मुस्कान टेंशन में जो भी हो जाए करेगा तो ये ही। फ्रेश पास वाले करा दिया तुम्हारा आने रहा भाई। ओके 6000 का नुकसान। किसका? मेरा? मेरा पता क्या हुआ, मैं वहाँ पे पेमेंट करा था, मेरा UPI नहीं चला। मैं कहा मेरे को लगा मुस्कान को करना पड़ेगा, तो मुस्कान ने की पेमेंट। अब मैं मुस्कान को भेज रहा हूँ, देखो मेरी गलती नहीं है, कह रहा हूँ मैं। रुको देखो इनवाइट UPI देखो नहीं आ रहा, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे तुम्हारा, मुझे सही में याद नहीं था भाई। गाइस मुस्कान को ना टेंशन हो गई थी कि UPI नहीं चल रहा है इसका, कि इसको ना अभी मैं बता रहा हूँ, इसका गला सूखने लग गया था कि कब आएंगे मेरे पैसे। दे दिए भाई, कर दिए भाई, कर दिए। हाय रब्बा टेंशन नहीं होता, सच्ची बताओ देख लो। ये नहीं कहा किसने एक बार भी मत भेजो, मैं दिला दूँ। जब UPI वो तो मुझे करवाना पड़ा क्योंकि पीछे भेज थी ना यार। चलो ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। अच्छा जी लेकिन तुमने ये लाइन क्यों बोली वैसे भी, कि मुझे पता था मिल जाएंगे ऐसे ना, तो ऐसे मिल जाएंगे। निकाल लूंगी मैं, देख लो मैंने कहा था ना बनिया बनिया होते हैं, दिमाग चला लेते हैं अपने हर जगह। तो अभी इसने क्या बोला स्टार्टिंग से कि मैं दिलाऊंगी मैं दिलाऊंगी, अभी इसने क्या बोला दिलाने के बाद मैं पैसे निकाल लूंगी कैसे ना कैसे। इनडायरेक्टली इसने बोला मेरे वापस कर देना। फाइनली शॉपिंग करके निकल चुके हैं एंड अब आता है मेरे पूरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट। फेवरेट तुम्हारे लिए फेवरेट है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं तुम हो ना मेरे साथ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम गाड़ी नहीं ठोकने लोगे। अबे ठोकने तो नहीं दूंगा, देखो जो गाड़ी जो सिखाते हैं उनके पास भी पूरा कंट्रोल होता है साइड में, मतलब उनके पास भी ब्रेक और स्पीड होती है। मेरे पास तो कुछ तो है ही नहीं भाई, मैं कहूंगा ब्रेक मार कर स्पीड पे पैना दबा दे। तो मुझे पहले बता ना कि ब्रेक कौन सी होती है, स्पीड कौन सी होती है, एक्सीलेटर कौन सा होता है, क्लच कौन सा होता है। भाई ये ऑटोमेटिक है। अच्छा तो ये स्कूटी तरह चलती है मतलब? हाँ इसमें गियर अपने आप लगते हैं। ओके ठीक है, स्पीड के हिसाब से। हाँ और इसमें स्पीड है ब्रेक है। ओके ठीक है बस, जैसे स्कूटी की तरह ही भाई। ये स्कूटी नहीं है, स्पीड लेके सीधी धीरे करनी। ठीक है
गाड़ी चलाने के लिए भाई बहुत चीजें चाहिए, अंदाजा देखना होता है कितने में निकल जाएगी कितने में नहीं निकलेगी, इतने में ओवरकट लूंगा तो निकल जाएगी। तुम क्या मुझे किसी बड़ी जगह पे सिखाना? हाँ, खाली जगह से हूँ। खाली जगह ढूंढो पहले तुम, जहाँ तुम्हारा दिमाग है उसी जगह पे सिखाऊंगा, मतलब भरी हुई जगह पे है ना। तो लोग समझ गए होंगे, उन्हें समझाने जोड़ती नहीं है, सबका दिमाग आपको इतना नहीं है ना मुस्कान जी। मैंने वैसे 8 आउटफिट निकाले थे और लिए हमने सिर्फ 3। यस, क्योंकि यार मेरे को ना 2-3 कपड़े ऐसे थे इतने गर्मी लग रही थी उनमें पहनते ही, और कुछ कुछ ना मतलब फिटिंग वगैरह ठीक थी बट पीछे से उठ रही थी, मुझे वैसे कपड़े पसंद नहीं है जो उठे हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी फिटिंग थी। कोई बात नहीं, ले लेना, अब तुम मुझे सिखाओ गाड़ी, ठीक है ना। यस, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं लड़की आगे सुनते से, तुम्हें तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। चलो चलते हैं। जहां तेज पासवान ने कहा था कि मेरे दिमाग इस जगह बिल्कुल खाली, पर ये तो भरी हुई है। इधर क्या है? और इधर क्या है? भाई तो भरी हुई है। इधर तो तुम्हारा दिमाग है, देखो। ओ प्लीज तेज पासवान, ओहो अब बात पलट गए। पलट पलट कुछ नहीं रहे अभी, बस लोगों को पता नहीं था मेरे पास कितना दिमाग है, देखो सब कुछ तो भरा हुआ है। कुछ नहीं भरा हुआ भाई, देखो सब खाली है। सामने मेरा फ्लैट है। अच्छा, देख लो कितनी अच्छी जगह लाया हूं, घर भी दिख रहा है, यहाँ से तुम सीख भी लोगी, कुछ हो गया तो मैं यहीं से फेंक दूंगा उसे उठा के। चलो आओ सीखते हैं। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, ये होता है स्पीड, ये होता है ब्रेक। ओके, ठीक है। ऑटोमेटिक में यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस पार्किंग के लिए पी दबाना है, ब्रेक दबा के रिवर्स करना तो रिवर्स से दबाना है। ये न्यूट्रन है, बीच में खड़ी कहीं तुम किसी से बात करने लगी तो न्यूट्रन कर दिया। ठीक है, ये चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए, ये स्पोर्ट मोड है, किसी काम करनी है मतलब तुम्हारे काम करनी है। और ये पार्किंग पे लगाने से पहले ब्रेक पे पैर रखना है ऐसे। मुझे अभी इतनी नहीं सीखनी, मुझे बस बस चलानी सीखनी है। चलाते कैसे हैं? नॉर्मल खड़ी है। हाँ? कुछ नहीं कर रखा, देखो है, ओके। ब्रेक दबाना है, ठीक है। ओके। उसके बाद हमें इस पे दबाना है, ओके। उसके बाद डी पे लाना है, ओके। ठीक है, समझ रही हो ना? हाँ, क्या बताया मैंने अभी तक? पहले ब्रेक दबानी है इसको, इसको यहाँ पर जो कुछ होता है यहाँ पर इसको प्रेस करना है, उसको डी पे लेकर के आना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये हैंड ब्रेक ऐसे ऊपर करनी है, नीचे कर देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें हल्के हल्के ब्रेक छोड़नी है, हल्के 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 छोड़ने, देखो आगे बढ़ने लगी। हाँ, हल्के हल्के ब्रेक छोड़ आगे बढ़ने लगी है ना। हाँ, बस अब आगे मोड़ते रहना ऐसे ऐसे, तो फिर नॉर्मल है ऑटोमेटिक। तो ब्रेक छोड़ दो। हाँ, उसके बाद ब्रेक छोड़ दो, फिर स्पीड दो, फिर अगर कहीं ब्रेक लाइन ब्रेक दबा दो ऐसे रुक जाएगी। ब्रेक अचानक नहीं दबाने होते, आराम आराम से, ठीक है। और चलो एक और चीज, सामने कुछ आया तो क्या करोगी? पहले ब्रेक दबाऊंगी। हाँ, घबराना नहीं है, आराम से कूल माइंड होके, ठीक है, डरना नहीं है एक तो पहली बात, ठीक है। मैं नहीं डरती। और गाइस दोबारा कह रहा हूँ, अगर ये लास्ट वीडियो हुई कहीं इसने खंबे वंबे कहीं इसमें दे मारा इसने, फिर तो गड़बड़ है। देखो गाड़ी खड़ी करने के लिए ब्रेक पे पैर रखा, पार्किंग पे दबा दिया, ऊपर कर दिया, बस अब गाड़ी कहीं नहीं। गाड़ी खड़ी रोकनी होगी तो मैं ब्रेक दबा देती हूँ, उसके बाद जो तुम्हें करना है वो तुम ये करते रहना, ठीक है। कुछ भी जिम्मेदार, सुबह से रेट लगा रखी मुझे गाड़ी सीखनी है, अब मैं ले आया हूँ, और कुछ हुआ तो तुम मुझे नई गाड़ी दिलाओगी। हाँ हाँ, डबल आर, डबल आर। कौन सी? डबल आर। फुल फॉर्म? रॉयल्स रॉयस। हाँ, चलो बैठो, सीट तो एडजस्ट कर लो पहले। नीचे से होती है, नीचे से होती है। बेटर, ये लो बंद करो, मैं तो डर रहा हूँ कहीं ठोक ना दे। ये थी ना ब्रेक? कौन सी? ये वाली, बड़ी वाली। हाँ, हाँ। एक पैर चलाना है, लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले चलाना है। मैं कंफ्यूज हो गया ना बैठ के। देखो अब स्पीड दबाना कैसे दबाओगी? स्पीड पे देखो, पहले वो पैर स्पीड पे दबाना कैसे दबाओगी? ऐसे नहीं, एक पैर से चलाना है बस। ऐसे ऐसे देखो, ये है गाड़ी। अच्छा, ऐसे ऐसे करना है, ओके। इससे क्या होता है ना कि गाड़ी कंट्रोल में रहती है। ओके, जब तुम ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक ही दबेगा, स्पीड दबाओगे अगर दो से चलाओगी तो कंफ्यूज हो जाओगी। देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगी ऐसे। हाँ। परफेक्ट ऐसे समझाना नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत गलती होगी तो आप लोग कमेंट मत करना, नितेश को खुद नहीं आती। मैंने कौन सी क्लासेस खोली है? अब इस पे, हाँ इस पे इसको पुश करो, डी तक लाओ, बस 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 ठीक है। ऊपर इसको नीचे करो, नीचे हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक कहते हैं इसको। नहीं हो रहा? देखो कुछ नहीं, इजी है। देखो हो गया, हो गया, नीचे करना। पहले ऊपर करना होता है, फिर नीचे करना होता है, फिर चल जाएगी। मैंने ब्रेक नीचे कर लिया। हाँ कर दो, ठीक है। ओके, हल्के 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 ब्रेक छोड़ो, हल्के हल्के इसको। हाँ इसको 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 सीधा करो, बस हल्के हल्के ब्रेक छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, डरो मत, छोड़ो। देखो चलने लगी।
बस बस ब्रेक मारो। रुक गई। पता है ये ना स्पीड नहीं दे रही है, बस इसने ब्रेक ब्रेक पे पैर रखे हुए हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है जैसे जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे ना गाड़ी चलने लग जाएगी, तो इसे धीरे धीरे सीख। गाइस मैंने गाड़ी चला ली। इतनी से चला ली मतलब चला लिया गाड़ी चला ली ना मैंने। डर मुस्कान के चेहरे पे साफ दिख रहा है क्योंकि अगर ठुक गई तो क्या होगा, फोन तुम्हारा जब्त हो जाएगा। चोट भी तो लगेगी? चोट नहीं लगेगी, चोट कैसे लग जाएगी इतनी स्पीड में, आप चोट कहां से लग जाएगी, पहले ठुकेगी नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा टेंशन मतलब तू। बढ़िया चलो 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 सही है, डरावना तो है नहीं, डरावना नहीं है। बस ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक। हाँ आराम से मारना होता है ब्रेक, आराम से सीधा लेके चलना, चलो आराम से सीधा 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 खम्भे मार के सीधा, थोड़ा हैंडल मोड़ के फिर सीधा लेके जाना है। मोड़ ही नहीं, पहले पहले मोड़ रखो ना, चलाते चलाते थोड़ी मोड़ना है, आराम से उधर गड्ढा है उधर मोड़ना, उधर नहीं 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 ब्रेक रखो, चलो ठीक है चलो 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 मोड़ो 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 पूरा घुमा दो पूरा घुमा दो पूरा घुमा दो, ब्रेक 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 ब्रेक। भाई दोनों पैर चला रही है, मैंने बोला था एक पैर चलाना है, नहीं एक पैर से ही कंट्रोल करना है, दोनों पैर चलाना इजी लग रहा है। ऑटोमेटिक दो पैर से नहीं चला रहे होते, मैनुअल चलाते दोनों पैर से। मुश्किल नहीं है गाड़ी चलानी, स्पीड और ब्रेक भी ध्यान रखना पड़ता है, मैं भी लूंगी। अच्छा बेटा खाली में चला रही हूँ ना अभी, तो अभी मेरा फर्स्ट टाइम है। इधर मोड़ो इधर कम भाई उधर भाई खम्बे से दूर रखो, तुम खाली में चलाओ अपना, नहीं भाई मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है। नहीं, तो मैंने कितनी अच्छी नहीं, नहीं, मुझे मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं मेरे पे? तो नहीं बिल्कुल नहीं मैं थोड़ी स्पीड दे के चलाऊंगी ठीक है। नहीं नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, गड्ढा है आगे, गड्ढा है गड्ढा है, ओके ओके टेढ़ी होगी ना गड्ढा है, तो स्पीड दो हल्के ब्रेक के साथ, भाई पेड़ है आगे, भाई पेड़ है, भाई आगे पेड़ है, थोड़ा लेफ्ट लो स्पीड दो हल्का, आगे भी गड्ढा है, पत्थर वगैरह भी, पूरा काटो पूरा काटो पूरा काटो आगे गड्ढा आराम से। यस ब्रेक 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 रुको 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 ब्रेक मारो भाई, ब्रेक मार रही बस मार दी, तुम्हारी ब्रेक खराब है, ब्रेक ठीक करा उसकी, मतलब ब्रेक नहीं लगता हमारी ब्रेक खराब है, ब्रेक खराब है, मैं ब्रेक मार रही हूं, ब्रेक नहीं लग रही। सब गाड़ी सिखाना बहुत मुश्किल था, बट इसने चला लिया, बट इसका कहना है कि अभी रोड पे चलाएगी। यस यस वैसे कुछ नहीं है, रोड रोड के लिए यहाँ पे नहीं है कुछ भी, अपनी गाड़ी लेके आना तो चलाएंगे, ऊपर तुम्हें आना पड़ेगा पहले मेरे घर के पास। लड़कों की सबसे पहली मोहब्बत गाड़ी, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्या भाई लड़कों से पूछो उसका दर्द, मेरी गाड़ी भले ही पुरानी है बट इसमें थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए ना मेरे को खाने का मन नहीं करता, वो तो तुम्हें तुम्हें बिठा दिया मैंने, तो अब मैं क्या बोलूं पेट्रोल खर्चा हुआ है तो पेट्रोल का कितने रुपए हो गया, 2000 रुपए चार्जेस, 2000 रुपए पेटीएम ले लो यार, तुम पेट्रोल के लिए कर रहे हो, अभी दे दिए फिर बाद में कह दी कैसे ना कैसे तो निकलवा लूंगी, बहुत तेज है तो मैं खुद मान रही हूँ, तेजी बंदी करनी पड़ती है ना, क्या करें, मैं अपनी जगह पे आ चुका हूँ फैमिली फाइनली, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है मुझे, कितना अच्छा अच्छा फील हो रहा है क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे अपनी जगह पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो फैमिली आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।